नॉर्थ कोरिया इन दिनों रहस्यमयी बुखार से जूझ रहा है। नॉर्थ कोरिया ने 12 मई को पहली बार अपने देश में कोरोना वायरस पाए जाने की पुष्टि की थी। WHO का मानना है कि नॉर्थ कोरिया का कोरोना के प्रति ढीला रवैया दुनिया में कोरोना के नए वेरिएंट फैलने का खतरा बढ़ा रहा है। तो चलिए समझते हैं क्या है ये रहस्यमय बुखार और कैसे नॉर्थ कोरिया की लापरवाही कोरोना के नए वेरिएंट की वजह बन सकती है। करीब 2.5 साल से नॉर्थ कोरिया अपनी सीमाओं को सील करते हुए इस घातक वायरस से बचे रहने का दावा करता रहा है, लेकिन इस साल अप्रैल के अंत से नॉर्थ कोरिया की आबादी का एक बड़ा हिस्सा रहस्यमयी बुखार से पीड़ित है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नॉर्थ कोरिया में अप्रैल से अब तक 20 लाख लोग इस रहस्यमयी बुखार से पीड़ित हो चुके हैं। यहाँ 12 मई को एक मरीज में कोरोना के वेरिएंट ओमिक्रॉन की पुष्टि के बावजूद टेस्टिंग बेहद कम की जा रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये रहस्यमयी बुखार कोरोना ही है। हालांकि नॉर्थ कोरिया का सरकारी मीडिया अब भी पीड़ितों की संख्या बताते समय बुखार के मामले कहकर ही आंकड़े जारी कर रहा है। नॉर्थ कोरिया ने 19 मई को जो आंकड़े जारी किए थे उसके मुताबिक एक दिन में 2,62,270 बुखार के मामले सामने आए थे और एक व्यक्ति की मौत हुई थी, पर हाल के दिनों में फैले बुखार से मरने वालों की संख्या बढ़कर 63 हो गई है। कोरोना से बचने के लिए कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने अपनी सीमाओं को सील करने के साथ टोक्यो और बीजिंग ओलंपिक में अपनी टीमें भी नहीं भेजी थी। यहां तक कि नॉर्थ कोरिया ने अपने सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर चीन से भी लगभग सभी व्यापार पर रोक लगा दी थी। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि ये संभव ही नहीं है कि नॉर्थ कोरिया में 2.5 साल तक कोई कोरोना मामला सामने नहीं आया हो, पर अब मामले बेकाबू हो गए हैं, इसीलिए नॉर्थ कोरिया ने कोरोना की मौजूदगी को स्वीकार कर लिया है। WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस ने नॉर्थ कोरिया से कोरोना महामारी से जुड़े डेटा और जानकारी साझा करने की अपील की है। टेड्रोस का कहना है कि WHO इस बात को लेकर बहुत चिंतित है कि नॉर्थ कोरिया में कोरोना फैलने और इससे मौत का खतरा बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहां लगभग पूरी आबादी का ही कोरोना वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। नॉर्थ कोरिया और इरिट्रिया ही यूनाइटेड नेशंस के ऐसे 2 सदस्य देश हैं जिन्होंने अब तक कोरोना वैक्सीनेशन शुरू नहीं किया है। वहीं इन दोनों देशों ने महामारी से निपटने के लिए WHO और अन्य देशों की सहायता के प्रस्तावों का भी जवाब नहीं दिया है। इस लापरवाही के चलते अब पूरी दुनिया के सामने नए वेरिएंट्स का खतरा खड़ा हो गया है। और भी ऐसी ही वीडियोस के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर आपके साथ, क्योंकि सच करीब से दिखता है।